क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजनीति का केंद्र और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। केंद्र की सत्ता अगर तय होती है तो उत्तर प्रदेश से ही तय होती है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत अहम होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं होती है, जो भी वहां पर चर्चाएं होती है, जो भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो हमेशा सनसनी बने रहते हैं। फिलहाल सनसनी आज की ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई पहुंच चुके हैं और वहां पर देशी निवेशकों को न्योता दे रहे हैं इन्वेस्टर समिट आने के लिए, जो कि 10 से 12 फरवरी को प्रायोजित है और 10 लाख करोड़ का योगी सरकार द्वारा यहां पर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मैपुर चर्चा का विषय है और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं, क्योंकि यहां पर अगर विषय पर चर्चा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टर समिट और 10 लाख करोड़ के निवेश पर बात करना भी बेमानी हो जाएगा। और मुख्यमंत्री लगातार यहां पर योजनाओं के माध्यम से निवेशकों को अपनी तरफ लुभाने प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आइए और यहाँ पर अपना अपना निवेश करिए। पहले विदेशी निवेश पर गए, उसके बाद फिर अब देशी निवेश के लिए तैयारी चल रही है और तैयारी के तहत 5 से 23 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री हैं वो देश के अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, कलकत्ता जैसे महानगरों में जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से उनको व्यस्त करने की बात भी कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और मेहमान आपसे जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और आपको मेहमान रूबरू करूँ। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता रालोट से यहाँ पर वेद प्रकाश मिश्रा पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से शिल्पी चौधरी पर पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी और इमरान लतीफ भाई आम आदमी पार्टी पर पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा प्रवक्ता भाजपा से रहेगा। विवेक भाई, योगी जी मुंबई गए हैं और वहाँ पर निवेशकों को न्योता देने गए हैं उत्तर प्रदेश आने के लिए, और कहा जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है, बड़ा लक्ष्य यहाँ पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अलग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण जो एक मामला है वो चर्चा में आ गया है। मामला का है, चर्चा का है, फिलहाल चर्चा जरूरी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, फरवरी की इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की जी बहुत महत्वाकांक्षी समिट है जी, और पिछली जो समिटें हुई जी उसमें जो MOU साइन हुए जी उसमें बहुत से MOU पे काम शुरू हो चुका, कुछ पाइपलाइन में, कुछ ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जी। और ये सब हो पाया उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के राज के चलते। आज भारत का हर कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसी से उत्साहित होकर के हमारे योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश की मंत्रियों की टीम 16 देशों में गई, जिसमें मीटिंग के दौरान 7 लाख करोड़ के प्रस्ताव पे चर्चा हुई जो करीब करीब स्वीकृत हो चुके हैं जी, जिसमें सबसे ज्यादा 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका से आए हैं, जो उन्होंने अपने इंटरेस्ट दिखाए हैं जी। और ये सब जो कुछ हो रहा है ये जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है भारत का, उस लक्ष्य में जिस तरह से स्वयं के लिए लक्ष्य योगी आदित्यनाथ जी ने अपने लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लिया है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कदम है ये। अच्छा, और ये जिस तरह से ये इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे उनके द्वारा कल कारखाने खोले जाएंगे, इसके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में करीब 7 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलने जा रही हैं। ये नई घोषणा है? ये नई घोषणा है? नहीं, ये घोषणा नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट्स है। अच्छा, और जो कि मिलेगा। अच्छा, ये मिलेगा। अब ये आप कहिए कि इसी साल मिल जाएगा, हम लोग बोल रहे हैं तो विपक्ष कहता है, मैं तो बोलते ही नहीं जी। ये इस जो इन्वेस्टर समिट हो रही है 2023 GIS 2023, इसके जो MOU साइन होंगे इससे जो कल कारखाने लगेंगे जी, उन कल कारखानों के बाय प्रोडक्ट के रूप में 7 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलने जा रहा है, ये इसका वो है। अच्छा, और इसके परिणाम स्वरूप एक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में तो उछाल आएगा, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य
योगी आदित्यनाथ जी ने लिया उत्तर प्रदेश के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में तो उत्तर प्रदेश सफल होगा ही होगा और भारत की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन का योगदान उत्तर प्रदेश करेगा। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में जाते थे हमारे नवयुवक, उनको अब अन्य किसी प्रदेश में जाने के बजाय उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। ठीक है। जी शिल्पी चौधरी पूछते हैं। शिल्पी चौधरी जी, भाई यहाँ पर जिस तरह से विवेक भाई बता रहे हैं कि रोजगार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है वो भी पूरा होगा, सरकार द्वारा पूरी मेहनत की जा रही है और योगी जी मुंबई पहुँचे हैं, वहाँ पर भी निवेशकों से मुलाकात करेंगे, कल रोड शो भी करेंगे, यानी विदेश के बाद अब देश की याद आ गई है। हालांकि विपक्ष बोलता रहता था कि देश में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो देखिए देश में भी जा रहे हैं। महत्वपूर्ण महानगरों में क्या राय रखती हैं आप जी? देखिए मैं शुरू करूंगी अपनी सरकार से जी। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी सरकार से शुरू करूंगी जी, क्योंकि अब योगी सरकार भी अपनी पूर्व की सरकार यानी अपनी योगी पार्ट वन की बात कर सकते। अच्छा ठीक है। इन्वेस्टर समिट योगी पार्ट वन में जहां तक मुझे याद है 2 हो चुके हैं जी, ग्लोबल समिट ये पहली है जी, और इन्वेस्टर समिट 2 हो चुके हैं जी, अच्छे खासे MOU साइन हो चुके होंगे जी, इसका विश्वास है जी। विश्वास 2012 ये विश्वास क्यों कहा आपने? विश्वास क्यों कहा ये? नहीं नहीं विश्वास ही होगा ना, क्योंकि भाई जमीन पे हमको दिखना चाहिए ना, जमीन पे अभी हमें तो नहीं दिखा। अच्छा अच्छा वाणिज्य एवं उद्योग संघ के अनुसार 12 से 17 में जी, यूपी ने भारत के अन्य सभी राज्यों से ज्यादा निवेश दर्ज किया। अच्छा। जो कि अधिकतम हुआ 2014 से 16 के बीच में। ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश में भारत में जो कुल आपका निवेश था वो था 26.6%, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन था 40%। अब आप समझिए कि हमने कितना निवेश कराया। ठीक। समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 के दौरान, खैर ये तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 5 साल में 6 लाख करोड़ की 606 परियोजनाएं शुरू करी। अच्छा। 6 लाख करोड़ की 606 परियोजनाएं शुरू करी। ठीक है। हमने शुरू करी और हम हटे सरकार से, तो अभी उन 606 का भी हमें देखना है हाल कहाँ हुआ, क्योंकि वो सरकार की परियोजनाएं थी, समाजवादी पार्टी की परियोजनाएं नहीं थी, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं थी। ठीक है। बिजली सेक्टर में हमने 27% का निवेश किया, निवेश हम लेके आए बिजली सेक्टर के लिए जी। निर्माण और रियल एस्टेट में हम 22.5% का निवेश लेके आए। ठीक। ये बात मेरे समाजवादी पार्टी के की सरकार के समय के निवेश के। अब मैंने कहा कि कुछ दिख नहीं रहा, 2 इन्वेस्टर समिट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में की। ठीक। जिसके MOU साइन हुए, अभी प्रवक्ता महोदय ने कहा और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उसके परिणाम दिखने लगेंगे, मतलब अभी तक उन्होंने मान लिया कि अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा। सैमसंग हम लाए, नोएडा फिल्म सिटी हम लाए, SCL हम लाए, ये क्या लाए अभी हमें नहीं पता। अच्छा। एक शेद के साथ मैं बस छोटी सी 2 लाइन, जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अच्छा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत बड़ी बड़ी बातें, 18 दिसंबर ANI के हवाले से एक खबर फ्लैश हुई है जिसमें सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट, कैलिफोर्निया जी, नहीं यूनाइटेड स्टेट सैन फ्रांसिस्को और यूपी गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया। ठीक है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ जी, ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए। अच्छा। यूपी के बड़े बड़े मंत्री सुरेश खन्ना जी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थ सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अरविंद कुमार जी और इनके साथ 16 लोगों का डेलीगेशन, जैसा कि प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं, ये सारे लोग उपस्थित थे। 35,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान, जिसका अभी आप कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ के हम इन्वेस्टर लाएंगे, 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट यूपी के लिए आ रहा है इसी के दौरान। 35,000 करोड़ का ये जो MOU साइन हुआ और इसके बाद ऑस्टिन स्मार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज का उत्तर प्रदेश में स्थापना होनी थी जी,
ठीक है जी, ये खबर ब्रेक हुई कि इस तरह की ये इस यूनिवर्सिटी को कैलिफोर्निया स्टेट जी इसकी मान्यता रद्द कर चुका है नवंबर 2022 में, यानी इस एमओयू से एक महीने पहले जी। इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में मात्र 25 लोगों का स्टाफ है और कोई स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, एक बिजनेस पार्क में ये पूरी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में चल रही है जी। मान्यता रद्द हो चुकी है। तो मैंने कहा ना कि जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। क्या बात है, पहला पहला काम किया है और इतने चर्चे हो गए हैं देश विदेश तक और 6 लाख नौकरियों का दावा तो सिद्धार्थ सिंह जी कह रहे हैं कि हमने इस एमओयू को साइन करके, खाली 6 लाख तो वो उसी एक फर्जी एमओयू को साइन करा के कर ले रहे हैं। अच्छा, ये है पूरा सत्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का। बाकी से पूछ लेते हैं, सत्य आप बताइए। पूछिए मिश्रा जी। जी भाई, आप भी इस समय भारत जोड़ जाते समर्थन दे रही है और भली सपा ने सहानुभूति दी हो, शुभकामनाएं दी हो, पर रालो ने समर्थन दे दिया है और कह रहा आपका कहना देना भी चाहिए भाई, क्योंकि अच्छी चीज़ हो रही है। खैर, यहाँ पर समर्थन और शुभकामनाओं की बात नहीं करें, यहाँ पर बात करें इन्वेस्टर समिट के लिए योगी आदित्यनाथ मुंबई गए हैं मुख्यमंत्री, और वहाँ पर निवेशकों को लुभाएंगे और उनको यहाँ पर आने के लिए न्यौता देंगे, कल रोड शो भी करेंगे। कैसी राय है आपकी समिति? गौरव जी, यात्रा पे पहले चर्चा करूं? बोलिए इन्वेस्टर्स पर, जिस पे आपकी इच्छा हो बोल लीजिए, थोड़ा सा यात्रा भी सुन लें थोड़ी। देखिए, यात्रा में तो जो कुछ है वो सब आपके सामने आईना है। हाँ। यात्रा में समर्थन हम ही ने नहीं किया है, आज भारतीय जनता पार्टी जी से जुड़े हुए चंपत राय जी ने भी कहा कि यात्रा ठीक है और उसका समर्थन किया जाना चाहिए। और इस तरीके की जो यात्राएं हैं, चंपत राय का नाम नहीं लिया, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी तो जब हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, और समाजवादी पार्टी का तो आपने जिक्र कर दिया कि उन्होंने भी उनको शुभकामनाएं दी। तो हम और समाजवादी पार्टी अलग अलग नहीं है, हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हम दोनों लोग तो उन्होंने भी दे दिया है? नहीं, उन्होंने दिया, हमने दिया और पूरे देश के आम नागरिकों ने दिया। अच्छा, और पिछली बार जब आपके यहाँ ही डिबेट हुआ जी, तो कांग्रेस ने कहा था कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी आए और इस यात्रा में शामिल हो। अच्छा, और प्रत्येक नागरिक को शामिल होना चाहिए, अच्छी बात है, भारत जोड़ो यात्रा में सबकी सहभागिता हो, सबकी सहमति हो, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब रही बात निवेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश में जो मूल निवेशक किसान है, अच्छा, आज की तारीख में 44 जनपदों में जो गन्ना बाहुल्य हैं, उसमें किसान चीनी मिलों में गन्ना अपना दे रहा है, लेकिन उसको यह नहीं पता है कि उसको मूल्य क्या मिलेगा। अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल ने मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप गन्ने का मूल्य बताएं। अच्छा, सरकार गन्ने का मूल्य घोषित करे, लेकिन सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया। उसके बाद हम 1 लाख पत्र के माध्यम से फिर सरकार को आगाह कर रहे हैं। अच्छा, कि आप गन्ने का मूल्य घोषित करें। अच्छा, तो बाहर के निवेशक इसलिए उत्तर प्रदेश में आने से कतरा रहे हैं कि भारत उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी हैं उनकी ऐसी दुर्दशा है कि इसकी वजह से बाहर का कोई आदमी यहां करके कोई निवेश करेगा, ये तो केवल लोक लुभावन बात है, कहीं कोई निवेश यहां होने वाला नहीं है। अच्छा, पिछली बार जो सबमिट किया गया था उसका परिणाम क्या आया है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है। अब कहने के लिए तो आप बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे तो आप करते ही रहते हैं, चुनाव के समय आपने दावा किया। अच्छा, कि साहब हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। अच्छा, अब आप नहीं देंगे जी। अब आपने कह दिया विधानसभा में मेरे पास ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है। आपने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन जब आप सत्ता में आ गए तो आपने कहा कि हम अग्निवीर बनाएंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने सड़क पर उतर करके और सदन तक इसका विरोध किया कि यह तरीका ठीक नहीं है। अच्छा, आप नौजवानों नेताओं ने विरोध किया, युवाओं ने बनाए, नेताओं ने विरोध किया, युवाओं ने जाके आवेदन कर दिया वहां पर। युवाओं की मजबूरी है, युवा करे तो करे क्या। अच्छा, उसी मजबूरी का फायदा तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। अच्छा, और कोई कारण है? हमारी सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे। हाँ। जैसे पूर्व की भात भर्ती होती थी उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, ये हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने ऐलान किया है। क्या
सरकार कहाँ बने, ये मान रहे हैं केंद्र में कि राज्य में? केंद्र में। अच्छा केंद्र में बनने जा रही है, केंद्र में भाई, केंद्र में सरकार बदलेगी, मैं बता दे रहा हूँ, केंद्र में सरकार बदलेगी, आज मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि खतौली हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीते, और आज मैं बता रहा हूँ केंद्र में सरकार बदलेगी, मैं कह रहा हूँ सरकार बदलेगी, ये मेरा दावा। ठीक है, ठीक, सरकार बदलेगी, ठीक है, और ये कानून भी बदलेगा। चलो विवेक भाई बताइए, तो आप हमको ये पहले विचार करिए, आप ये बताइए कि जो वर्तमान समय में यहाँ के निवेशक हैं मूल रूप से किसान, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? अच्छा, नौजवानों के साथ सरकार क्या कर रही है? व्यापारियों के साथ सरकार, यानी जो चाट का खुंचा लगाने वाला व्यापारी है, उसके यहाँ भी जीएसटी का छापा पड़ रहा है। अच्छा। और उसके बाद भी अगर कहीं से ये दावे किए जा रहे हैं तो विपक्ष केवल डिबेट बोलेगा क्या, रोड पर भी आएगा, यहाँ कोई निवेश होने वाला है? अरे भाई, तो ये केवल विपक्ष केवल डिबेट बोलेगा कि रोड पे भी आएगा? भाई रोड पे हम हैं, कहाँ हैं आप देखिए तो, दिखाइए तो, मैं रोड पे हूँ, देखना चाहते हैं भाई, देखिए मैं रोड पे हूँ और आपके चैनल पे भी हम रोड पे हैं। ये रोड भैया मेरा कैबिन बना हुआ है, स्टूडियो बना हुआ है, कहाँ रोड है? आप भाई ऐसे बोलेंगे आप लोग? आप अमरोहा भेजिए जी, आप खतौली भेजिए, हाँ, आप मुजफ्फरनगर भेजिए, हाँ, आप रायबरेली भेजिए। अच्छा, सैकड़ों विजुअल आपको मिलेंगे रोड के ऊपर खड़े किसान। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखा रहे हैं, हाँ, पत्र के माध्यम से सरकार क्यों बना कि आप गन्ने अच्छा का मूल्य घोषित करें भाई, आगे सवाल रहेगा। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर गन्ने भाई आखिरी सवाल सरकार ने नहीं किया, आखिरी सवाल, तो मैं सड़क पे उतर करके भाई, मेरा सवाल केवल ये है जी, जब किसान इतने नाराज है तो सरकार क्यों बना लेते बार बार? सरकार किसानों के आधार पर कहां बनती है, किसके आधार बनती है? कि सरकार 60% आबादी, सरकार तो बनती है धर्म के आधार पर। अच्छा, धर्म के आधार, किसान किसान कहां रह जाता है? अच्छा, किसान को तो उस समय परिवर्तित हो जाता है, हाँ, जो भावनाओं का, हाँ, उद्गार पैदा किया जाता है, हिंदू मुस्लिम का उद्गार पैदा किया जाता है। अच्छा, उस आधार पर सरकारें बनती हैं। सरकार बनना, हाँ, गौरव जी इस बात का प्रमाण नहीं है कि, हाँ, किसान ने अपना पूर्ण समर्थन सरकार को दे दिया है और सरकार को मनमानी का अधिकार है, ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। इमरान भाई आप बहुत मुस्कुरा रहे थे बीर भाई की बात पर, कृपा मुस्कुराहट आ गई थी आप, बोलिए भाई। देखिए मुस्कुराहट हमको विवेक भाई की बात पे आई थी। अच्छा, और जितनी बातें उन्होंने कही, मैं अवध पूर्वांचल के क्षेत्र का रहने वाला हूँ, वहां के एक मशहूर कवि हुए थे अदम गोंडवी साहब। अच्छा, बिल्कुल सुना है। और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव का मौसम गुलाबी है, अच्छा, मगर ये दावा झूठा है, ये वादा किताबी है। अच्छा, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है, ये उनका शेर था। और आज वही जो इन्वेस्टर समिट की बात कर लें, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर लें, यानी हर एक मामले में उसी तरह के आंकड़े दिखे हैं, उसी तरह के दावे दिखे हैं। अच्छा, अभी ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का जो एग्रीमेंट है, इनका जो फर्जी एमओयू है, उससे साफ समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले की जमीनी हकीकत क्या है। अच्छा, सुन लिया आपने? दरअसल मामला यह है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट तब होगा, बड़े इन्वेस्टर्स तब आएंगे जब आपके इलाके में जो छोटे व्यापारी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे बिजनेस करने के लिए। ठीक है, आज क्या हो रहा है कि कानून व्यवस्था का हाल उत्तर प्रदेश के अंदर ये है कि पुलिस वाले थाने के अंदर बलात्कार कर रहे हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था का आलम यह है कि जिनको व्यवस्था सुधारनी है वो होटल के अंदर एक व्यापारी को जान से मार दे रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। ठीक, तो जहां पर इस तरह की कानून व्यवस्था होगी, जहां पर सरकारी अमला व्यापारियों को कुचलने का काम करेगा जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर, उनके बिजनेस को कुचलने का काम करेगा, वहां पर आप उम्मीद करते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे इस तरह के माहौल में? अच्छा, ये सिर्फ एक भद्दा मजाक है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। अच्छा, दरअसल हो ये रहा है कि देश से लेकर विदेश तक इन्वेस्टर समिट के नाम पर देश के लोगों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, चाहे वो मंत्रियों की बात कर लें, चाहे वो अधिकारियों की बात कर लें, हमारी गाढ़ी टैक्स की कमाई के पैसे को ये अपनी अय्याशियों में लुटा रहे हैं समिट के नाम पर। अय्याशी क्या कर रहा है? और कुछ नहीं, अय्याशी करने के साफ साफ गए निवेश के लिए मामले में अय्याशी करने गए क्या?
मनन भाई अय्याशी बिल्कुल अय्याशी करने गए हैं। हाँ। बिल्कुल अय्याशियां ही हो रही हैं। हाँ। कुछ नहीं हो रहा है। और बताइए कितना कितना घिनौना मजाक किया है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी जो ब्लैकलिस्टेड है अपने देश के अंदर। हाँ। जिसका सिर्फ 25 लोगों का स्टाफ है, जिसमें स्टूडेंट का नामो निशान नहीं है। हाँ। जो जो अपना वजूद नहीं बचा पाई है अपने गृह कंट्री में, अपने खुद के देश में, वो उत्तर प्रदेश को नया भविष्य देने के लिए आएगी। उत्तर प्रदेश में वो इन्वेस्ट कितना गंदा मजाक, कितना भद्दा मजाक है ये इन्वेस्टर समिट के नाम पर। हाँ। तो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे की लूट का पूरा एक प्रकरण है, एक बहुत बड़ा घोटाला है। जिस तरीके से नोटबंदी में घोटाला हुआ, जिस तरीके से नोटबंदी घोटाला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक निर्णय था सरकार का, जिस तरीके से कॉर्पोरेट कर्ज माफी में घोटाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पे फैसला दिया है क्या, सही निर्णय था सरकार का, आप घोटाला बोल रहे हैं भाई, ये क्या दिक्कत है? बिल्कुल घोटाला है। अच्छा मैं कह रहा हूँ अभी 10 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज माफ कर दिया गया वो घोटाला है। अच्छा जो 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया गया कॉर्पोरेट बेईमान पूंजीपति घरानों का वो घोटाला है। है तो है, सरकार जाने दीजिए, जांच होने दीजिए। एक बार जब केंद्र में सरकार जा रही क्या और निष्पक्ष, आप सरकार जा रही क्या, कहाँ जा रही सरकार भाई? सरकार तो सरकार परिवर्तन करने का तो आम आदमी पार्टी के पास हुनर हासिल है। अच्छा कहाँ नहीं हराया हमने? अच्छा पंजाब में हमने परिवर्तन करके दिखाया, दिल्ली में परिवर्तन करके दिखाया। अच्छा एमसीडी के अंदर जाने का वीर भाई से बात हो गई आपकी, नहीं डूबेगा लगता, रालोट से बात हो गई आपकी करके दिखाया गुजरात। अरे मेरा भाई लगता है रालोट से बात हो गई, सेटिंग हो गई यहाँ पर। नहीं देखिए आम आदमी पार्टी को पूरे देश की जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही अच्छा। है। आम आदमी पार्टी के मुद्दों को हर जगह स्थान मिल रहा है। अच्छा। गुजरात के अंदर आप सोचिए, गुजरात में जहां पर गौरव भाई, गुजरात में जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बना रहे थे वहां गुजरात में भाई, रत्ती भर एहसान मिलेगा, सरकार बना 5 सीटों में 40 लाख लोगों ने वोट किया है। अच्छा गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को बिजली पानी स्कूल अस्पताल के मुद्दे पर 41 लाख लोगों का समर्थन मिला है। क्या बात, साधारण बात नहीं है। इससे यूपी में नहीं मिल पाया, पूरा देश आम आदमी यूपी में नहीं मिल पाया को पसंद कर रहा है, यूपी में नहीं मिल पाया पर। यूपी में बस आप 27 का इंतजार कीजिए, चलिए ठीक 27 भी आ रही है। यूपी में आज बहुत दूर नहीं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख गौरव जी, 32 सेकंड और लूंगा। ईमानदारी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे आरक्षण का मामला रहा हो, चाहे दूसरे मामले रहे हो, आम आदमी पार्टी के अलावा किसी एक संगठन का नाम बताइए। बढ़िया बात, ये बात तो मानता हूँ बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि विपक्ष के रूप में आप ही नजर आ रहे हो, पार्टी की नाक बाकी का बाकी केवल बस ये सहानुभूति और शुभकामनाएं दे रहे हैं। ठीक है विपक्ष के रूप में नजर आ रहे हो, कोई बात नहीं। सुनील भाई जी क्या राय है भाई आपकी यहाँ पर मैटपुर चर्चा विषय है भाई? देखिए गौरव जी मैं काफी देर सुन रहा था प्रवक्ताओं की बातचीत जी। आप पार्टी पंजाब में जीत तो पा गई, अच्छा लेकिन पंजाब की हालत क्या हो रही है? 92 सीटें लेके आई भाई, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं हाँ। पंजाब की हालत क्या हो रही है हाँ। लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है, सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही है, अच्छा पाकिस्तान से हथियार गिराए जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, दिल्ली का हाल देख रहे हैं, परसों घटना हुई बच्ची की हाँ। तो जहां जहां आप पार्टी पहुंच रही है अच्छी बात, आप पूरे देश में पहुंच जाए, लेकिन कम से कम बलात्कार न होने दीजिए, अब विदेशी ताकतों को बढ़ने न दीजिए अपने प्रांत में आप। अच्छा इमरान भाई ये मेरा निवेदन है, और गुजरात में तो आप सरकार बना रहे थे, कितनी बचकानी बात हो रही है, सही कह रहे हैं अरे बरस पत्रकार बचकानी बात क्यों बोल रहे हैं, कह रहे हैं हर एक को अपनी राय रखने के अंदर, अरे भाई बचकानी बात है इसलिए कि दिल्ली में देख रहे हैं, अरे सीमा सुरक्षा सरकार क्या सरकार तो आपकी भी है, है। सब जिम्मेदारी सेंट्रल की ही है, कानून व्यवस्था का केजरीवाल जी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बताइए हमको। अरे कम से कम तथ्यों को सोच समझ कर आया करिए, नहीं नहीं आप बताएंगे हमको ना कीजिए, अरे आप पहले बता देते भाई, अब मैं डिबेट में आऊंगा तो आपसे फोन रखे आऊंगा कि आप बताइए हमको ज्ञानवर्धन कीजिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था का मामला, भारतीय जनता पार्टी का मामला, गृह मंत्रालय का मामला, उसमें आप आम आदमी पार्टी को गति देंगे, सीमा सुरक्षा का मामला, पंजाब सरकार को घेरने का काम करेंगे, जो केंद्र सरकार का मामला है, तो साफ पता चलता है कौन सी भूमिका निभाने आप यहाँ पर आए हैं। अच्छा निष्पक्ष बात करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? तो आपको बीजेपी प्रवक्ता थोड़ी ना है भाई, बड़े पत्रकार है भाई, कैसी बात कर रहे हैं? अरे अब्बा ये तो इतना अच्छा तो गुजरात भी नहीं कर पाएंगे, बताइए ये बताइए वरिष्ठ पत्रकार है हाँ। वरिष्ठ पत्रकार है तो इनको इतना नहीं पता कि कानून व्यवस्था का मामला दिल्ली के अंदर गृह मंत्रालय के अधीन आता है? वरिष्ठ पत्रकार है, कैसे वरिष्ठ पत्रकार है, कैसी पत्रकारिता इन्होंने की होगी, स्पष्ट पता चल रहा है इनको इतना नहीं पता कि सीमा सुरक्षा का मामला केंद्र सरकार तक की है, पंजाब सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं।
अरे मुख्यमंत्री कहते रहे सरकारी नौकरी देने की मुआवजा दिया है मुख्यमंत्री ने, सरकारी नौकरी दे दिया आपने, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का, सरकार तो आपकी है, आप आइए रोड पे, क्यों नहीं आते हैं रोड के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? रोड पे नहीं आई हम, अरे कैसी बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर एलजी का कार्यालय घेरने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम मत लगाइए। एक सवाल अगर आपके दम है तो गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लीजिए, दिल्ली के अंदर पत्रकार हुआ है, रिपोर्ट आने दीजिए, उसका इंतजार आप कीजिए, उसके बाद देखिए। अभी तक तो आम आदमी पार्टी को सूली पे चढ़ाया जा था पंजाब और गुजरात, पंजाब और दिल्ली के लिए, अब अमित शाह का जिक्र आ गया तो रिपोर्ट देखने लगे, बगल झांकने लगे, अरे भाई अस्पष्ट हो गया, जांच रिपोर्ट तो लाखों दर्शकों, ये पत्रकार है, ये किसके प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बैठे हैं? विधायक जी का काम आसान, कितना भाजपा के बैठे भाजपा प्रवक्ता है, ठीक है इमरान जी, लेकिन सच्चाई से बाकी है। आप उत्तर प्रदेश 24 या 27 बात कर रहे हैं, फिर देख लीजिएगा आपका जनाधार उत्तर प्रदेश में कहाँ है, फिर देख लीजिएगा। ये आपकी मनोकामना हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी योगी आदित्यनाथ जी का काम देख रही है, मनोकामना हो सकती है, ये आपकी इच्छा हो सकती है, मेरी कामना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश जनता का है इमरान जी। चले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विवेक भाई जवाब दे, बाबा जवाब दे, विवेक भाई देश पसंद, विवेक भाई ये सच्चाई है, ठीक है इमरान भाई, हो गया इमरान भाई, हो गया राष्ट्रीय, हो गया हो गया हो गया हो गया इमरान भाई, विवेक भाई जी, या इमरान भाई बड़ा नाराज हो रहा है और शिल्पी चौधरी ने तमाम तरह की बातें कही, प्रवक्ता रालोर बेल भाई भी नाराज हैं, भाई आप लोग क्यों इस तरह जो आंकड़े देते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, कह रहे हैं आंकड़े गड़बड़ है, ब्रेकस्टेड यूनिवर्सिटी से आपने करार कर लिया है, विपक्ष की नाराजगी मेरे समझ में आती है, जनता ने इन्हें सड़क पे लाके कर दिया, अच्छा और ये एसी में बैठना चाहते हैं, अच्छा और जैसे भी हमारे एसी वाली बात क्यों आती है हर बार, एसी वाली बात क्यों आती है, रेलडी के मित्र हमारे कह रहे थे कि हम सड़क पे हैं, तो सही में जनता ने इन्हें सड़क पे बैठा दिया है, अच्छा लेकिन ये सड़क पे बैठना नहीं चाहते, शिल्पी जी कुछ बोल रही है, शिल्पी जी ने भी बहुत अच्छा शिल्पी जी आवाज बढ़ाया, तक जब रात है ऐसी मतवाली सुबह का आलम क्या होगा, इसका क्या होगा, ये मतवाली रात और ये सुबह का आलम समाजवादी पार्टी में होती है, शिल्पी जी भारतीय जनता पार्टी में तो काम होता है, अच्छा यहाँ हमारे यहाँ दिन रात काम ही काम होता है, यहाँ न रात मतवाली होती है न सुबह का आलम होता है, ये तो उनसे पूछिए, सुनिए ये सवाल, ये सवाल सवाल शिल्पी जी, शिल्पी जी अब जवाब ने बोला मैंने आपको टोका बहुत, मैंने शक्ति का सम्मान सवाल लेता हूँ आपका, शिल्पी जी सवाल मैंने आपकी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए आपको टोका नहीं, अब मेरी भी जवाब को सुन लीजिए, मेरे जवाब को सुन लीजिए, शिल्पी जी ये रात मतवाली, रात मतवाली आपके अखिलेश जी सैफे में जाके करते थे, अच्छा और रात मतवाली भगवंत मान की होती लुप्तांता लाइन से जब उतार दिए जाते हैं, अच्छा बाकी हम तो मतवालापन जानते नहीं, ये सवाल तो ये सवाल आम आदमी इमरान लतीफ से कहिए भाई, कौन सी मतवाली रात थी जब लुप्तांता एयरलाइन से आपके भगवंत मान उतार दिए गए थे, ये इनसे पूछिए, ये रात मतवाली सुबह कालम रात चढ़ती है सभी का उतरती है, उनसे पूछिए, ये आपका प्रश्न भगवंत मान जी के परिपेक्ष में बेहतर होता है, आप हमसे को पूछ रहे हैं, हम तो स्वयं सेवक है, हमारे यहाँ दिन रात का कोई फर्क नहीं है, ये तो सैफे में पूछिए कि रात मतवाली कैसे होती थी, अब सैफे के ऐसी कैंप में आलिया भट्ट का डांस कब होगा, शिल्पी जी विवेक जी बोल रहे हैं कि रात मतवाली सैफे में होती थी, भाई ये तो अखिलेश यादव जी से पूछिए, ये शेर सुनाने के पहले सोचा तो होता कि इसके अच्छा। इसके मायने कहाँ जाएंगे, गांजे का धुआं फैला हुआ है, 35,000 करोड़ का फर्जी MOU साइन हो गया, ये जिसको आप फर्जी काम करते हैं, आप फर्जी बताते नहीं थक रहे हैं, आपको तो एक भी प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता बबलिंग स्कार्ट की फैक्ट्री चल रही है, देखा ये रोड पर फैक्ट्री है, पता चल जाएगी आपको कब लगी किसने, कब MOU साइन हुआ, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये शेर सुनाइए, इनके सीएम गांजा उतार दिए गए, इतना पी लिए थे, अच्छा
कौन सीएम से अपील लिए थे? भगवंत मान साहब इतना अपील लिए थे, लेंस उतार दिए गए। अच्छा, अब उनकी रात मतवाली थी कि सुबह तक नहीं उतरी है, इसका इसका जवाब तो इमरान लतीफ साहब देंगे। इमरान भाई, इमरान भाई, आरोप लगाने का शौक है। डिबेटी लिवेज पर मतवाली मतवाली रात शाम पे आ गई। बोलिए बोलिए, होगा सबसे कोर्ट से बाहर समझौते करेंगे। आम आदमी पार्टी का पुराना सरकार भाई कुछ बोल रहे हैं, ये सरकार बना रहे थे गुजरात में। बोले बोले, कंसोलेशन प्राइस पांच पांच टिकट पे मामला बुक हो गया। 37,000 करोड़ की सफाई कुछ नहीं है। देखिए गौरव भाई, 37,000 करोड़ की सफाई कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी बात कर रहे थे भगवंत मान जी के प्रकरण पे, इनको शर्म आनी चाहिए कि कितना झूठ बोलेंगे। शर्म तो हमें खूब आ रही है कि हमारे प्रांत उतार दिया जा रहा है, जो अपनी माँ की कसम खाया कि शराब नहीं पियेंगे, जो माँ की कसम अरविंद केजरीवाल भी खाए थे कि मंत्री आवास नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाए थे वेतन नहीं लेंगे, सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। मैं किन किन बातों पर शर्म करूँ? इमरान लतीफ जी, मैं केजरीवाल के लिए भी शर्मिंदा हूँ, मैं भगवंत मान के लिए भी शर्मिंदा हूँ, अरविंद सिसोदिया के लिए भी शर्मिंदा हूँ। शिक्षा मंत्रियों को शराब बेचता है, शराब घोटाला करता है, आखिर मैं किस किस बात के लिए शर्मिंदा हूँ? मैं तो आपके आपकी पूरी पार्टी के लिए शर्मिंदा हूँ कि इस देश में आपके आम आदमी पार्टी चल रही है। अच्छा अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए मैं तो आपके आपके आम आदमी पार्टी के ऊपर शर्मिंदा हूँ कि इस देश में आम आदमी पार्टी चल रही है। धन्य है देश, धन्य है ऐसे ऐसे देश के लोग। अरविंद सिसोदिया को भी फिर एक चार्जशीट शराब घोटाले में सुने हैं। आखिर आखिर शिक्षा मंत्री से शराब बिकवा रहे हो, शराब घोटाले करवा रहे हो, मालिश करा रहे हैं, तिरंगे वाले लोग बसात तक कैसे पहुँच गए? तिरंगे वाले लोग बसात तक पहुँचे कैसे पहुंचे? किस बात पर शर्म खाया जाए? आपको तो शर्म आती रही, शर्म आने का ठेका आपने ले रखा है। आम आदमी पार्टी बेशर्म हो चुकी है, सारा शर्म तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ले रखा है। आप तो बेशर्म है, आपको तो शर्म आएगी नहीं। भगवंत मान शराब के प्लेन उतार दिए जाए, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल झूठी कसम का है, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल दूसरे के ऊपर आरोप लगावे, कोर्ट के बाहर समझौता करे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। आप बेशर्म है, आप सारे संसार होने के। इमरान भाई, आपको बेशर्म बताया भैया, आप बेशर्म है। इमरान भाई, इमरान भाई, सीधे कहिए कि आप आदमी पार्टी बेशर्म है। आप तो पंजाब, इमरान भाई, इमरान भाई सुन लीजिए, इमरान भाई सुन लीजिए, सरकार बनेगी, इमरान भाई सुन लीजिए, कुछ बोल रहे भाई, सदी कल आए देवे भाई, चरित्र नहीं होंगे। इमरान भाई सुन लीजिए, शर्म नहीं आते, बारी बारी बोलिए, पार्टी में खाता नहीं खुला, आपको शर्म नहीं आती, उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला, आपको शर्म नहीं आती, गुजरात सरकार बनाते बनाते कंसोलेशन प्राइस दिखते हो, शर्म नहीं आती? आप बेशर्म है, सीधे कहिए कि आप बेशर्म है। आम आदमी पार्टी वाले बेशर्म कहिए ना, आप सीधे कहिए कि आम आदमी पार्टी वाले बेशर्म है, सरकार होने के लिए हम बैठे। चलिए मान लिया आपकी बात। अरे भाई, चिन्मयानंद की पार्टी वाले, यदुरप्पा की पार्टी वाले, अरविंद सिसोदिया की पार्टी वाले, सत्यनारायण के मसाज पार्टी वाले, सत्यनारायण के मसाज पार्टी वाले, जेल में मसाज करवा रहे हो, जेल मंत्री का कौन दल है भाई? दारू के घोटाले वाले, क्या करोगे आप देश के साथ? क्या करोगे देश के साथ? जेल जेल मंत्री का बारिश करा रहे हो? क्या हो रहा है बिहार में? मसाज पार्लर चलाने वाले आम आदमी पार्टी वाले शर्मिंदा नहीं होंगे? बेशर्म हो, संजय सिंह को शर्म नहीं आती? अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आते? माँ बच्चों की झूठी कसम खाते? अरे बेशर्म हो, कितना शर्म करोगे? कितनी शर्म की हद है वो आम आदमी पार्टी की हद है। बिजली पर ठीक है, काम करके हो गया, हो गया, हो गया, पानी पर करके दिखाया, चले ठीक है, ठीक है, बनाए अस्पताल बनाए। बेर भाई कुछ बोल रहा है? बेर भाई कुछ बोलेगा? बेर भाई कुछ बोलेगा? अरे आपको तो शर्म आती नहीं, शर्मिंदा होने के लिए छोड़ बैठे। चले ठीक है, ठीक है, बेर भाई कुछ बोलेगा? महिला मैं नहीं कहना चाहता, आप लोग के कर्म की तरह शर्मिंदा होने लायक है। पंजाब के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई भाई, पंजाब में क्या करा रहे हो? रोज एक राजनीतिक हत्या हो रही है, क्या है ये?
ये कौन से राजकता को जो आपने आपका सीएम प्लेस उतारा जा रहा है दारू के नशे में, क्या है ये दिल्ली की दारू पंजाब सप्लाई कर दिए थे क्या, व्यापारियों की हत्या की जा रही है, दारू पंजाब में बेचाए थे, क्या हो रहा है पुलिस वाले, अरे बेसरबी की हद तक कब पार करोगे, ये हालत है कानून व्यवस्था की, ये बेसरबी की हद तक पार करोगे, ये व्यवस्था है कानून व्यवस्था, ठीक है ठीक हो गया हो गया, शर्माते रहे और मेहमान भी और मेहमान भी सवाल को टाला कर हो गया हो गया हो गया हो गया सब कायदे आप शर्मिंदा अरे ठीक है ठीक है भगवंत पाल ड्यूटी कसम खा गया बेबे भाई हो गया आप शर्मिंदा नहीं बेबे हो गया प्लेन से उतारे जाएंगे अरे हो गया बेबे भाई अरे बच्चा चोरी का तहत आया पार्टी ज्ञान दे रही है आम आदमी पार्टी पाकिस्तान की जासूसी करने वाली आम आदमी पार्टी अरे ठीक है ठीक है हमारे साथ बेप्रकाश मिश्रा जी कुछ बोलेंगे, बीर जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप जी भाई जी, ठीक है जी, हर व्यक्ति को अपने अपनी व्यक्ति की आजादी है, सब लोग अपने अपने अपनी बात रखते हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ जी किससे, सरकार से, अच्छा सर ठीक है, कि ये जो सरकार ने प्रोपोगंडा शुरू किया है कि हम समिट का आयोजन कर रहे हैं, प्रोपोगंडा क्यों बोल रहा है भैया, ये इसलिए बोल रहे हैं, इससे अच्छा शब्द इनके पास शब्दकोश में नहीं है, देखिए जितना देखिए मैं बोलता नहीं कभी बीच में, मेरी अपनी एक आदत है कि मैं जब कोई बोलता है तो मैं नहीं बोलता, और मैं ये चाहता हूं कि मैं जो बात रखना चाहूं वो रख लूं, और उसके बाद में सत्ता पक्ष के हमारे जो साथी हैं विवेक जी वो अपनी बात रखने के लिए और हमारा विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उसे मैं साहस स्वीकार करूं, जल्दी बोलिए, मैं ये कह रहा हूं कि छोटा व्यापारी इस समय जीएसटी की मार झेल रहा है, उसका शोषण हो रहा है, अच्छा किसान परेशान है, लोग तो घरों में दुबके हुए हैं इस सर्दी के मौसम में, लेकिन किसान अगर आप अभी कहीं से विजुअल मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, किसान अपना गन्ना लिए लाइन में खड़ा है गन्ना बेचने के लिए, और उस गन्ना किसान को यह नहीं पता है कि ये जो हम गन्ना बेच रहे हैं इसका हमें मूल्य क्या मिलेगा, अच्छा और सरकार ने आज तक गल्ला मूल्य घोषित नहीं किया, 350 रुपए घोषित तो है मिश्रा जी, कितनी ये सरकार ने आज तक नहीं बताया है, ये आप बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सरकार आज गन्ना मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का ऐलान करें कि 350 रुपए गन्ने का मूल्य घोषित है, आपके कहने से ये बात नहीं मानी जाएगी कि ये बात घोषित नहीं, ये बात गलत है, अच्छा। हम ये कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक दल के नेता ने ये बात कही, सब जगह से ये मांग उठ रही है, किसान मांग कर रहा है, अच्छा। कि सरकार आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर दे कि 350 रुपए कुंटल गन्ने का मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, मुझे जो एतराज होगी वो उसके बाद हम दर्ज कराएंगे, आज तो हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार गन्ने का मूल्य घोषित करे, सरकार गन्ने का मूल्य घोषित क्यों नहीं कर रही है या तो इसका कारण स्पष्ट करे, अच्छा। अब हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि 350 रुपए गन्ने का मूल्य घोषित है, ये इनको पता है, लेकिन जो गन्ने की पर्ची है गन्ना बेचने के बाद उसके ऊपर निल लिख करके आ रहा है, अच्छा। तो क्या ये जो चीनी मिल वाले हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, अच्छा। या जो चीनी मिले सरकार चला रही है सहकारी चीनी मिले वो इनके नियंत्रण में नहीं है, उनको इन्होंने आदेश पारित नहीं किया, अच्छा। कि आप गन्ने का ये मूल्य उस पर्ची के ऊपर डाल करके गन्ना किसान को दे दीजिए, अच्छा। ये गलत बात है, जनता को और गन्ना किसान को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा। हमने बाकायदा जब ये जीएसटी के छापे डालने शुरू किए उत्तर प्रदेश के कमिश्नर से जाकर के हम लोग मिले, उनको ज्ञापन दिया, अब जाकर के वो छापे रुके हैं, अच्छा, आखिर अचानक ये छापे क्यों पड़ने लगे, अच्छा। इतना बड़ा अपडेट कहां से आ गया सरकार के पास कि इतनी बड़ी जीएसटी की चोरी होने लगी है कि चाट वाला खुंचे वाला तो पान वाला पूड़ी वाला सब्जी वाला सारे लोगों के यहाँ छापे अचानक पड़ने लगे, अच्छा। और वो छापे अचानक बंद हो गए, अच्छा। तो ये जो इस तरीके की गुमराह करने की स्थिति है पूरे आम नागरिकों को आम जनता को, ये सरकार बंद करे और कोई भी काम करने के पहले स्पष्ट करे, क्या किसी को ये नोटिस दिया गया था कि आप जीएसटी की चोरी कर रहे हो, आप इसे स्पष्ट करो अन्यथा आपके यहाँ छापा डाला जाएगा,
और अगर छापे डाले गए हैं तो क्या सरकार ये बताएगी कि इन छापों के दौरान इतनों लोगों के ऊपर जीएसटी चोरी का आरोप मिला है और इनके खिलाफ ये हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं? सरकार ने कुछ नहीं बताया है। सरकार ने छापे शुरू किए और सरकार ने छापे बंद किए। वो तो खुलासा होना चाहिए, पर मेरे ख्याल से कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो पहले नोटिस नहीं भेजता है कि आपके छापा डालेंगे। हाँ, खुलासा जरूर होता है क्या पकड़ा गया क्या नहीं पकड़ा गया, क्या चोरी पाई गई है, पर मेरे ख्याल से किसी भी रेट के पहले इसको खुलासा या नोटिस नहीं भेजा जाता। गौरव जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। जी बिल्कुल बोलिए। देखिए, जीएसटी ऑनलाइन भरी जाती है। जी, जब जीएसटी की चोरी होती है खरीद फरोख्त में तो ये पता चल जाता है डिपार्टमेंट को कि इसमें चोरी हो रही है। अच्छा, तो विभाग बाकायदा अपने यहाँ थ्रू प्रॉपर चैनल जी व्यापारी को नोटिस भेजता है जी कि आपके यहाँ इस तरीके की विसंगति पाई जा रही है। अच्छा, आप इसको स्पष्ट करें। जी, अगर वो स्पष्ट नहीं करता है तो उसके यहाँ छापेमारी करके कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र है, उसके ऊपर हमें कोई एतराज नहीं। अगर कोई चोरी में संलिप्त पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन चाट वाले के यहाँ, पान वाले के यहाँ अचानक छापेमारी और पूरा प्रोपोगंडा करके एक भय का वातावरण पैदा करना, ये उचित नहीं। समय हो, जवाब दीजिए, फिर श्री भाई बात देता हूँ। जल्दी बोलिए। मिश्रा जी चाहते हैं जी कि चोर के यहाँ अधिकारी जाए तो पहले उसको बता दे साहब हम कल आएंगे। अच्छा, ये ऐसी व्यवस्था में जीना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं। अरे विवेक भाई, शर्म लाखों करोड़ सर भाई, बिल्कुल चोर कह रहे हैं आप। आप तो बेशरम, उत्तर प्रदेश का पूरा व्यापारी चोर है, शर्म नहीं आती आपको? होने के लिए यद्रप्पा के अंदर चोर आपको नहीं दिखता? आप जैसे प्रदेश के अंदर आपको चोर नहीं दिखता दे रहे हैं, और रेडी तो उसका जवाब हमें देने के लिए चोर नजर आ रहा है। उसका जवाब हम देंगे। बेशर्मी के ठेकेदार झोला व्यापारी आपको चोर नजर आ रहा है? आप एक सम्मानित चैनल भाई बैच के नजर देश के सभी छोटे व्यापारी को चोर कह रहे हैं? समाज का आरक्षण खा के बैठ गए, दूसरी तरफ व्यापारियों के ऊपर आपने गुंडा टैक्स लगा दिया है। गुंडा ही कर रहे, ये सरकार संविधान से नहीं चल रही है, ये सरकार संविधान के नियम कानून से नहीं चला रहे, ये गुंडा ही चलाना चाहते हैं। गुंडा ही सरकार चला रहे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। बताइए आरक्षण की बात है, उत्तर प्रदेश के व्यापारी चोर बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के पूरे व्यापारियों को बैठे बैठे बोल रहे हैं, रेडी पसने वालों को, पूछे वालों को, घंटी वालों को, खाने की दुकान वालों को, छोटे मोटे व्यापारियों को, मझेलों व्यापारियों को, नुक्कड़ चौराहे के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठकर चोर बोल रहे हैं। पत्रकारों को बताएंगे, ये जितनी भी इन्वेस्टर सबमिट है चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे हो या इन्वेस्टर सबमिट एक दो और दो इन्वेस्टर सबमिट, सब के सब बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। अच्छा, जिसमें ज्यादातर एमओयू के जरिए हजारों करोड़ रुपए की हेरा फेरी करी गई, और ये अभी से नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चालू है। आपको याद आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। मीडिया को ये देखना होगा कि ज्यादातर फैक्ट्री चल रही है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है, डिफेंस कॉरिडोर में मिले हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं? वही अब आपसे कहूंगा कि शाम इतनी सुबह का आलम क्या होगा? अरे बतवाली शाम की जरा सुबह में आइए, समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जरा दिन में आइए, ये बतवाली शाम से निकल आइए, अंग्रेजी से भी कहिए उस बतवाली शाम से निकल आइए। गौरव जी एक बात बताइए, हमारे जो साथी हैं विवेक भाई जी, समय हो गया, ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां चल रही हैं जी, अच्छी बात है जी, निवेश तो अच्छी बात है जी, हम उसका स्वागत करते हैं जी। वर्तमान समय में 8.21 करोड़ हमारे यहाँ असंगठित मजदूर सरकार की साइड पर रजिस्टर्ड है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। ठीक, आखिर जब रोजगार यहाँ प्राप्त है फिर कभी तो लोग फिर ये इस तरीके की स्थिति क्यों पैदा, फिर कभी लेंगे ये, फिर स्थिति ये इस तरीके की क्यों पैदा? आखिर कमेंट दीजिए, बोलिए। गौरव जी जी, अभी कृषि मंत्री ने बयान दिया है जी कि 650 करोड़ रुपए की सब्सिडी कृषि यंत्रों पर दी जाएगी जी, फिर हमारे बैठे इमरान भाई कहेंगे ना कि हम भाजपा प्रवक्ता हैं। हाँ, सच्चाई ये है कि सरकार किसानों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है, लेकिन संतुष्ट नहीं है इमरान भाई, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट होना हो इसका मतलब हमारा नहीं है। अच्छा गौरव जी, सरकार का पैसा सही ढंग से किसानों तक नहीं पहुंच रहा है जी, इस बात से हमको भी कष्ट हो रहा है। अच्छा,
हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए गन्ना मूल्य निर्धारित होना चाहिए जी। एक मांग और भी कीजिए, किसान हमारा सबसे ज्यादा परेशान इस बात से है कि पहले पर्चियां आती थी मिश्रा जी किसानों के पास में जी। अब मैसेज आते हैं, हर किसान हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, मैसेज में होता है कि पर्ची डेट निकल जाती है गौरव जी, बहुत गंभीर मामला है जी, बिल्कुल। और उसके बाद किसान ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देंगे हाँ, जब जान पाता है कि उसके बाद जो है समय उसका खत्म हो गया है। दूसरी बात गौरव जी, किसानों के लिए ज्ञापन नहीं गौरव जी, कार्रवाई की मांग चल रही है, बहुत जल्दी आंदोलन आपके सामने होगा, कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, किसान हमारा नहीं जान पा रहा है कब उसकी पर्ची आ रही है और कब कब वो गन्ना लेके जाएगा। आंदोलन होगा, मैं भी देखूंगा, उस पर डिबेट भी करूंगा। और गौरव जी एक मिनट बस आपसे बोलूंगा, कम से कम जो कृषि यंत्रों में अब तक घोटाले किए गए हैं, कृषि मंत्री जी भी उसमें शामिल है, पूर्व घोटालों की जाँच होनी चाहिए। आप चले उसमें एक मांग करता हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर चर्चा थी कि इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंच चुके हैं और वहाँ पर निवेशकों को लुभाने का एक जो रणनीति, इस पर काम कर रहे हैं। कल रोड शो है और 5 जनवरी से 23 जनवरी तक फिलहाल सरकार इसी रणनीति पर काम करने वाली है। निकाय चुनाव में भी समय है, ओबीसी की रिपोर्ट के बाद ही उस पर कोई फैसला आएगा। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्वेस्टर समिट को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो अब सरकार को बहुत ही एहतियात से कदम उठाने पड़ेंगे और 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा है उसको बारी बारी से समझाना भी पड़ेगा विपक्ष को भी और आम जनता को भी। तो वहीं विपक्ष जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर फेलियर का, सरकार की व्यवस्थाओं पर, तो शायद विकास की बात पर जिस तरह से आरोप लगते हैं तो शायद कुछ संघर्ष भी होना चाहिए। अगर केवल मामले ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सुलझ जाएंगे तो शायद संघर्ष कोई करना ही नहीं चाहेगा। अगर वास्तव में जनाधार चाहिए या वास्तव में सरकार को बदलना चाहते हैं या वास्तव में कुछ बदलाव करना चाहते हैं और वास्तव में चाहते हैं कि जनता के लिए आप भी कुछ कर सकें, तो उसके लिए पहले संघर्ष करिए। सरकार पर आरोप लगाना, उन पर बातें थोपना ये अलग बात है, पर संघर्ष की जगह संघर्ष करना होगा। वहाँ पर पत्र और ज्ञापन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि भारत की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर संघर्ष ने दिखाया है कि बदलाव होते हैं, केवल ज्ञापन पत्रों से बदलाव नहीं होते। चलना पड़ेगा राह अकेले, तभी बदलाव होगा, केवल शांत बैठने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।